गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, GVDL सीनियर सेकेंडरी स्कूल मिश्रोली की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम क्लास फर्स्ट की मैथ्स की बुक, जिसका चैप्टर 6 हम पढ़ रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ये देखो यहाँ पर पिक्चर बनी हुई है, इसमें बहुत सारे बैट बने हुए हैं। हाउ मैनी बैट्स आर देयर इन ऑल, हाउ मैनी ऑफ देम आर क्रॉस्ड, हाउ मैनी आर लेफ्ट। ठीक है, ये बातें पता लगानी है हमको। हाउ मैनी बैट्स आर देयर इन ऑल, यहाँ पर कितने बैट हैं, तो 1 2 3 4 5 6 6 है, तो ये क्वेश्चन के पीछे ही लिख देते हैं अपन 6, है ना। फिर हाउ मैनी ऑफ देम आर क्रॉस्ड, मतलब किन को काट रखा है, तो ये 1 2 2 को काट रखा है, यहाँ 2 लिख दिया। फिर इसके बाद हाउ मैनी आर लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब कितने बचे, बचे मतलब जिनको काटा हुआ नहीं है, तो उनको यहाँ लिखेंगे, तो 2 को उड़ा दिया, इनको मत गिनेंगे, और 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से सब्सट्रैक्शन के सवाल होते हैं, है ना। हमको टोटल चीज़ें पता होती है, उनमें से हम कुछ को कट कर देते हैं और जो बचती है वो आंसर होता है, वो हमारा उत्तर होता है। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। हाउ मैनी बलून्स आर देयर इन ऑल, यहाँ पर टोटल कितने बलून्स हैं गिनो। फाइव बलून से, है ना। फिर उसके बाद हाउ मैनी ऑफ देम आर क्रॉस्ड, मतलब उनमें से कितने को काट रखा है, तो उनमें से 4 को कट कर रखा है। ठीक है, फिर हाउ मैनी आर लेफ्ट, उनमें से कितने बचे, तो कितना बचा हुआ है जिस पे कुछ भी क्रॉस नहीं कर रखा, तो ये एक ही बचा हुआ है, तो 1। ठीक है, यहाँ पर भी वैसे ही लिख देंगे, पहले 5, फिर माइनस, और ये 4, और ये 1 आंसर। ठीक है, ऐसे ही दूसरा करते हैं। हाउ मैनी पेंसिल आर देयर इन ऑल, हाउ मैनी ऑफ देम आर क्रॉस्ड एंड हाउ मैनी आर लेफ्ट, तो यहाँ पर टोटल कितनी है, पहले उनको गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 है ना, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे यहाँ पर भी फर्स्ट वाले में 8, दोनों को साथ साथ कर लेते हैं ना। फिर इसके बाद हाउ मैनी ऑफ देम आर क्रॉस्ड, उनमें से कितने पर क्रॉस किया गया है, तो ये 2 पर क्रॉस कर दिया है ना, तो 2 पर क्रॉस कर दिया, तो यहाँ 2 लिख देते हैं, 2 पर क्रॉस्ड है, 2 क्रॉस्ड, यहाँ पर भी 2 लिख देते हैं। ठीक है, 2 को क्रॉस कर दिया, अब बचे हुए को गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 6 बच गए, 6 पर कुछ भी नहीं हो रहा है। ठीक है, ये हमारा आंसर है। फिर देखते हैं हाउ मैनी लेड आर देयर इन ऑल, वहाँ पर कितने LED है ना, LED बल्ब हैं, कितने हैं उनको गिन के यहाँ पर लिखते हैं। फिर इसके बाद हाउ मैनी ऑफ देम आर क्रॉस्ड, जिन कितनों को क्रॉस कर रखा है वो यहाँ लिख देंगे। फिर हाउ मैनी आर लेफ्ट, कितने बचे ये यहाँ लिख देंगे। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है। अब अगले पेज पर आ जाते हैं। हाउ मैनी आइस क्रीम्स आर देयर इन ऑल, यहाँ पर टोटल कितनी आइसक्रीम है उनको गिनेंगे, है ना। फिर उसके बाद हाउ मैनी ऑफ देम आर क्रॉस्ड, कितने पर क्रॉस किया गया है वो लिख देंगे। फिर हाउ मैनी आर लेफ्ट, कितनी बच गई वो यहाँ लिख देंगे। इस तरीके से ये हाउ मैनी मोबाइल्स आर देयर, देखो ये मोबाइल्स बने हुए हैं, तो कितने सारे मोबाइल्स हैं यहाँ, जितने भी हैं वो यहाँ पर लिख देंगे, है ना। और हाउ मैनी ऑफ देम आर क्रॉस्ड, कितने पर क्रॉस किया गया है वो यहाँ लिख देंगे। और हाउ मैनी आर लेफ्ट, यानी कि बच कितने गए वो यहाँ लिख देंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट 7th क्वेश्चन, हाउ मैनी बटरफ्लाइज आर देयर, यहाँ पर कितनी बटरफ्लाइज है गिनते हैं, कितनी है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 बटरफ्लाइज है यहाँ पर, तो हम लिखते हैं। इसी तरीके से इसको देखते हैं, इसमें यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बटरफ्लाइज है, तो हम यहाँ पर 8 लिखेंगे। फिर इसके बाद कितनी को क्रॉस किया है, 8 का 8 आइसक्रीम लिख दिया हमने, इनमें से 4 को हमने क्रॉस कर रखा है ना, तो 4 लिख दिया, और बचे हुए कितने, 1 2 3 4, तो ये आंसर अपना 4 आ गया। इसी तरीके से बाकी सवालों को भी करते हैं।
है ना, ये वाला करते हैं इसमें, ये मैच स्टिक्स, हाउ मेनी मैच स्टिक्स, मैच स्टिक्स मतलब माचिस की तीली कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 है तो क्या लिखना रहेगा अपन ऊपर को, 10 लिख देंगे अपन। फिर उसके बाद कितने को क्रॉस कर रखा है, कितने को बीच में से काट दिया तलवार से, तो 1 2 3 4 5 5 को कट कर दिया तो यहाँ पर लिख देंगे 5। ठीक है, अब देखते हैं कितने बचे, 1 2 3 4 4 बचे तो यहाँ लिख देंगे 4। ठीक है, इसी तरीके से इधर लिखते हैं, यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 10, फिर उसमें से कितने 5 और बचे हुए 4। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, ये बचे हुए सवाल आप हल करेंगे है ना, और उसका फोटो खींच कर व्हाट्सएप पर भेज देंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।